इटावाला सफारी में तीन शावकों की मौत, सफारी प्रबंधन की लापरवाही के चलते गई शावकों की जान, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, लॉयन सफारी प्रबंधन की जिम्मेदारी तत्काल निर्धारित की जाए। यही नहीं, पांच शावक जन्मे थे किंतु सफारी प्रबंधन द्वारा केवल एक शावक की ही सूची दी गई। सफारी प्रबंधन द्वारा तीन शावकों की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई। इस तरह की घटनाओं का पोस्टमार्टम IBRI बरेली में होता है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं करके इटावा में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया। इस प्रकार की जाँच कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल यादव एवं शिवम पाल, अरविंद कुमार यादव, फरहानाज, सीमा यादव, शशि गोयल, अभिषेक यादव आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आप लोग जानते हो कि इटावा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो सरकार थी इटावा, और ये सरकार की मंशा शुरू से ही लॉयन सफारी के प्रति ठीक नहीं है, तो इसको सहयोग नहीं किया जाता। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, 6 साल से ये सरकार है, 6.5 साल से, तो आज सफारी और ऊंचाई पर होती। लेकिन जहाँ है वहाँ भी ये लगातार सफारी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, एक ऐतिहासिक घटना हुई, जो शेरनी है सोना, उसने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। किसी एक शेरनी द्वारा एक साथ 5 शावकों को जन्म देना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक घटना है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।